तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं जानता हूँ आप बहुत गुस्सा हैं, एक दफा मेरी बात सुने तो। क्या सुनाना चाहते हो? कोई नई कहानी? जिस दिन से तुम्हारा ये सिलसिला शुरू हुआ मैं एक दिन अपने घर में सुकून से नहीं बैठा, इससे पहले कि मेरी आवाज ऊंची हो चले जाओ यहाँ से। सर अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो ये बेसुकूनी मुझे और आपको दोनों को रहेगी। आप एक दफा मेरी बात सुन लें, उसके बाद आपका जो दिन चाहे कीजिए। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, नहीं होना चाहिए था। मेरी मामा बहुत ही मान से रिश्ता लेकर आई थी आप, और मैं भी बहुत ही इज्जत और एहतराम से नूर को अपनाना चाहता। वो तो मैंने देख लिया, जो इज्जत और एहतराम तुम लोगों ने मेरी बेटी को दिया है। आपके घर के बाहर जो कुछ भी हुआ, किसी के साथ भी होता तो वो बहुत जज्बाती हो जाता, जो कि यकीनन गलत है। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, इसीलिए खुद चल के आया हूँ आपके पास। पहले तुमने मेरी बेटी को बदनाम किया, उसके बाद अब तुम मुझसे माफी मांगने आए। चाहते क्या हो तुम लोग? तीर एक मर्तबा कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आता। आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है। मैं अपनी इस गलती का इजहार नूर से डायरेक्ट निकाह करके करना चाहता हूं। मुझमें कोई ऐब नहीं है सर, लेकिन दूसरे इंसानों की तरह मैं भी गलती कर सकता हूं। नूर बहुत ही अच्छी लड़की है, मेरी वजह से बहुत ज्यादा हर्ट। मैं इसीलिए उससे माफी मांग चुका हूं, शायद उसने आपको बताया नहीं। तुम नूर से कब मिले थे? उसी वाकये के फौरन बाद। बताया नहीं उसने मुझे? सबने मुझे माफ कर दिया। तुम उस दिन वापस क्यों चले गए थे? सर उस बात को रहने देते हैं, शायद मुझसे ही सुनने और देखने में कोई गलती हुई हो। आप छोड़। तुम्हारी वालदा राजी है? उन्होंने मुझे यहां माफी मांगने के लिए भेजा, लेकिन मुझे अब नूर से पूछना पड़ेगा कि वो इस रिश्ते के लिए राजी है भी या नहीं। मैं आपके जवाब का मुंतजर हूं। ठीक, वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। भाई मैं तो पहले ही कहती थी और मेरा दिल भी नहीं मानता था कि वो लड़का बुरा हो सकता है। लेकिन मैं तो अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। माज कुछ और बात कर रहा था, शानवाज कुछ और। फसी, जब माज कह रहा था कि उसे गलतफहमी हो गई है। अरे भाई बस तुम ये सोचो कि तुम अपने फर्ज से जल्द कैसे सुबकदोश हो सकते हो। और अब माज ने तो तुम्हें कार्ड भी दे दिया है अपना, सारी छान पटक कर लो, उसमें क्या है। वो तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन आप जरा पहले नूर से बात कर लें। मुझे नहीं पता कि अब वो इस बारे में क्या सोचती है, क्या ख्याल है उसका। नहीं भाई, मैं नूर से बात नहीं कर रही, तुम खुद अपनी बेटी से बात करो। अब देखो ना, तुम बाप बेटी की जो नाराजगी चल रही है, इस बहाने वो भी खत्म हो जाएगी और उसकी रजामंदी भी पता चल जाएगी कि वो क्या चाहती है। ठीक है, बात कर लूंगा मैं उससे। पापा बैठे ना। मुझे तुमसे एक जरूरी बात। मुझे पता है बाबा आपको क्या बात करनी है। आप यही पूछना है ना कि मैंने मामा से अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी है। नहीं, मैं जानता हूं कि अब तुम अपनी एक अलग सोच रखती हो, तुम्हारी अपनी एक दुनिया है। तो फिर क्या बात है बाबा? माज आया था मेरे पास। माज? वो क्यों आया था? बस वो अपने किए पर शर्मिंदा था, माफी मांगने आया था। और सच पूछो तो जो लोग अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। बाबा आप ना हमेशा लोगों के बारे में ना बहुत जल्दी अपनी राय कायम कर लेते हो, और अभी भी आप। सुनो, मुझे ये बताओ कि
वो तुम्हारे पास तुमसे मिलने आया था, माफी मांगी थी उसने। जी जी आया था। कमाल है, इतनी इंपॉर्टेंट बात तुमने मुझे नहीं बताई। मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो, लेकिन ये भी जानता हूं कि तुम मेरे भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचाओगी। क्या फैसला किया तुमने? मैं सोचूंगी इस बारे में। ठीक है, और ये बात मैंने तुम्हारी फूफी के अलावा और किसी को नहीं बताई। देखो, जो भी फैसला करना, बहुत सोच समझ कर करना। बड़ा लंबा सफर है, एक गलत फैसला सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। बहुत सोच के करना है, जो भी करना है।